ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांगड़ा चंबा संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी किशन कपूर ने आज धर्मशाला में जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार, शहरी विकास मंत्री सरबीन चौधरी, विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज सहित तमाम विधायक उपस्थित रहे। कांगड़ा चंबा संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी किशन कपूर ने धर्मशाला में जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार, शहरी विकास मंत्री सरबीन चौधरी, विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज सहित तमाम विधायक उपस्थित रहे। नामांकन के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए किशन कपूर ने कहा कि भाजपा चुनाव प्रचार में कांग्रेस से बहुत आगे है और भाजपा प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि चुनावों को लेकर लोगों में भारी उत्साह है और 5 वर्षों तक केंद्र की मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को लाभ पहुंचा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने गरीबों के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। किशन कपूर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकारें विकास करवाने में नाकाम रही हैं। कपूर ने कहा कि कांगड़ा चंबा में वोटों के हिसाब से इस बार इतिहास रचा जाएगा और बड़ी जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उधार के उम्मीदवार लेकर चुनाव में उतर रही है, जिससे उसे कोई फायदा नहीं होगा। आज मैंने चंबा, कांगड़ा, लोकसभा, भारतीय जनता पार्टी के रूप में अपना नामांकन पत्र भरा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार में बहुत आगे है और हम हिमाचल प्रदेश में चारों सीटें जीत और भारी अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। सर, क्या लगता है प्रदेश में और कांगड़ा की भी बात की जाए, मोदी लहर? कांगड़ा में इस बार एक इतिहास बनाया जाएगा। लोगों में बहुत उत्साह, बच्चा बच्चा मोदी मोदी कर रहा है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में जो हमारी केंद्र की सरकार है उसकी जन कल्याण की योजना है, जिससे हर वर्ग को लाभ पहुंचा है और हर वर्ग के लिए योजनाएं लागू की गई हैं। और हिमाचल प्रदेश में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, जिनका 1 वर्ष 3 महीने हुए, वो करके बताया है। वो पहले जो कांग्रेस की सरकारें थी उसमें वो काम कभी नहीं किया। अनछुए वर्ग जो थे उनको भी लाभ पहुंचा है प्रदेश सरकार की योजना के द्वारा। इसलिए इस बार कांगड़ा में जो परिणाम आए और जो अंतर होगा वोटों का, वो बहुत ज़्यादा होगा। नया इतिहास कांगड़ा में बनाया। सर, आप कांग्रेस कहीं भी मजबूत होती नहीं दिखी। कांग्रेस उधार के लोग लेकर भी चुनाव में उतर रही है, जिससे कांग्रेस को कोई फायदा होने वाला नहीं। कांग्रेस अगर मजबूत दिखती है तो कांग्रेस में जो द्वंद चला हुआ, जो युद्ध चला हुआ, एक दूसरे को धक्के मारे जा रहे हैं, कांग्रेस कमजोर है। और कांग्रेस इस बार लोकतंत्र के इतिहास में जितने कम वोट कांग्रेस के लोगों को मिलेंगे, कांग्रेस के उम्मीदवारों को मिलेंगे, ये आने वाला समय है। चुनाव में आपने नामांकन कर दिया है, सर विकास रहेगा या सिर्फ मोदी ही रहेंगे? देखिए, दोनों बातें रहेंगी। मोदी जी के द्वारा पूरे भारतवर्ष का विकास और उनकी जो योजनाएं हैं, विश्व पे नरेंद्र मोदी जी ने भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, वो भी मुद्दा है और देश की सुरक्षा का भी मुद्दा है, राष्ट्रवाद का भी मुद्दा है। और हिमाचल प्रदेश में जो जयराम ठाकुर जी की सरकार के विकास के कार्य हुए हैं, वो भी मुद्दा है। चिट्टे वालों के खिलाफ तो हमने कड़ी कार्रवाई की है। पहली बार जयराम ठाकुर की सरकार ने हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री से बैठकर और इकट्ठे होकर इन नशाखोरों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। और नशाखोर आजकल घबराए हुए हैं। आप ये कह दें कि उस पंचायत के सभी लोग चिट्टे वाले हैं तो वो ठीक नहीं।
सर थैंक यू। एक एक आखिरी सवाल रहेगा सर, कांग्रेस द्वारा भाजपा राज्य अध्यक्ष सतपाल सत्ती की विवादित टिप्पणियों के आरोप में कपूर ने कहा कि भाजपा में कोई बकलाहट नहीं है बल्कि कांग्रेस खुद बकलाई हुई है और उसके नेता 5 वर्ष तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां देते रहे जिसका जवाब जनता उन्हें लोकसभा चुनावों में देने जा रही है। कहना है कि बौखलाहट में बीजेपी नजर आ रही है जिस तरह से बयानबाजियां आ रही है। देखिए बीजेपी ना पहले कभी बौखलाहट में थी ना अब बौखलाहट में, बौखलाहट में कांग्रेस है और कांग्रेस की जो बयानबाजी है आप लोगों के द्वारा ही समाचार पत्रों में कई बार कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी जवान फिसली है और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता एक दूसरे के ऊपर जो आरोप लगाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो उन्होंने 5 साल अपशब्द कहे हैं और उसका ही उत्तर हिंदुस्तान की जनता देने वाली है। ठीक है सर, थैंक यू।